चिश्तिया सिलसिला के सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया को लोग महबूबे इलाही कहते थे। इनका जन्म बदायूं में हुआ और ये बाबा फरीद की सरपरस्ती में रहे और फिर दिल्ली आ गए। औलिया ने अपने 60 साल के जीवन में दिल्ली की रियासत को 3 सल्तनतों के हाथ में देखा, गुलाम वंश, खिलजी वंश और तुगलक वंश। लेकिन औलिया कभी किसी के दरबार में नहीं गए और उनका प्रभाव किसी सुल्तान से कम नहीं था। निजामुद्दीन औलिया बड़े ही खुले दिल के विचारक और हर मजहब को एक ही नज़र से देखने वाले थे। उनकी इस बात से उस दौर के मुल्ला खासे नाराज भी रहते थे, पर उनके ख्यालात लोगों तक पहुंचते रहे, उनके दिलों में जगह बनाते रहे। दरअसल सूफीवाद का सिर्फ एक ही सिद्धांत है, वो है इंसान चाहे किसी भी मजहब, जाति या रंग का हो, सभी की सेवा करना ही सूफीवाद है। निजामुद्दीन औलिया कहते थे, इबादत से ज़्यादा सवाब ज़रूरतमंदों की मदद से मिलता है। फवैद अल-फुआद में उन्होंने एक बयान किया है कि पैगंबर इब्राहिम ने एक बार किसी काफिर के साथ खाना बांटने से परहेज किया, तब अल्लाह की आवाज़ आई और उन्होंने कहा, मुझे इसे ज़िंदगी देने में गुरेज नहीं था तो तुम्हें खाना बांटने में क्यों है। वे अक्सर बगदाद के शेख जुनैद के बयान लोगों के बीच में रखते थे, जिन्होंने कहा था कि मदीना की गलियों में मुझे खुदा गरीबों के बीच ही मिला है। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि खुदा तक जाने का रास्ता कौन है, तो उन्होंने शेख अबू सैद अबुल खैर की बात दोहरा दी, जितने रेशों से ये जिस्म बना है खुदा तक जाने के रास्ते उतने हैं, पर सबसे छोटा रास्ता तो वो है जो इंसान के दिलों को खुशी देता है। ऐसे थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। औलिया साहब ने अपना सारा जीवन लोगों की सेवा में लगाया और उन्हें अल्लाह तक जाने के सही रास्ते बताते रहे। अल-बरूनी ने लिखा है कि निजामुद्दीन औलिया का समाज पर इतना असर था कि उनके कहने से दिल्ली में अपराध कम हो गए थे। उन्होंने हमेशा माना कि कयामत के दिन यह हिसाब जरूर होगा कि तुमने अपनी रोजी कैसे कमाई, और अगर गलत रास्ते का इख्तियार किया है तो खुदा सजा जरूर देगा। 3 अप्रैल सन 1325 को निजामुद्दीन औलिया का इंतकाल हो गया। उस वक्त खुसरो बंगाल में थे और वे बदहवास दिल्ली पहुंचे, शेख की मजार से लिपट कर रोए और कहा, मैं इस राजा के मरने का गम करूं या अब खुदा का दुनिया से जाने का गम मनाऊं, क्योंकि अब मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। खुसरो का शेर उनके औलिया से बिछड़ने का गम बयां करता है। औलिया साहब के बारे में एक बड़ा कथानक ये भी है कि 1303 में इनके कहने पर मुगल सेना ने हमला रोक दिया था। इस प्रकार वे सभी धर्मों के बीच लोकप्रिय बन गए। हजरत साहब ने 92 वर्ष की आयु में प्राण त्यागे और उसी वर्ष उनके मकबरे का निर्माण आरंभ हो गया, किंतु इसका नवीनीकरण 1562 तक होता रहा और आज भी दक्षिणी दिल्ली में स्थित हजरत निजामुद्दीन का औलिया सूफी काल की एक पवित्र दरगाह है, जहां जाकर लोगों को अजीम शांति की अनुभूति के साथ ही अपनी मन्नतें पूरा करने का अवसर मिलता है। ऐसे ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे इन प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे वीडियोस को लाइक भी करें। धन्यवाद।